मोहनलाल बड़ौली ने कहा कि लगातार उन्हें बेहतरीन जन समर्थन मिल रहा है और इसी कड़ी में देश के प्रधानमंत्री 18 मई को गोहना में एक बड़ी जनसभा को संबोधित करेंगे। जनता से सीधा संवाद करने और आशीर्वाद देने को लेकर गोहना में पहुंचेंगे। वहीं उन्होंने यह भी कहा है कि मोदी नीतियों के कारण काफी असर देखने को मिल रहा है। जहां मोदी की सुरक्षा, विकास की गारंटी, सभी के अधिकार की गारंटी, महिला एवं किसानों के सम्मान की गारंटी, नीतियों की गारंटी के कारण देश के प्रत्येक वर्ग का मोदी के साथ जुड़ा हुआ है। प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर द्वारा भी प्रदेश में सेवा करने का काम किया है और मोदी मनोहर की नीतियों के कारण एक तरफा माहौल बीजेपी के पाले में लगातार जा रहा है। उन्होंने दावा करते हुए कहा है कि सभी 10 सीटों पर भाजपा विजय हासिल करेगी। जो आयुष्मान योजना जो गरीब आदमियों के लिए 53 करोड़ लोगों के लिए है, उसको अब फ्री कर दिया। 70 वर्ष से ऊपर के सब उसमें शामिल करने का काम किया और बहुत सारी योजनाएं महिलाओं के लिए, युवाओं के नए रोजगार के अवसर और देश के जवानों के लिए भी। देश के जवान की जो चिंता देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने की, आप सबने देखा है। लगातार 10 वर्षों से प्रत्येक दीपावली फौजियों के बीच में जाकर मनाने का काम किया है, किस प्रकार से अपने शहीदों के सम्मान को बढ़ाने का काम किया। आप सबने जो इंडिया गेट पर अमर ज्योति जो जलती है, वहां पर एक पार्क में मेमोरियल वार बनाया और उसमें सभी देश के जितने भी शहीद हुए वहां एक बहुत भव्य उनकी यादगार में एक भवन का निर्माण हुआ और उसके साथ साथ एक तस्वीर सुभाष चंद्र बोस जी की लगाई गई। सुभाष चंद्र बोस जी को जो कांग्रेस पार्टी ने कभी वो सम्मान नहीं दिया जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने दिए। हमने सभी शहीदों को सम्मान दिया है, सभी स्वतंत्रता सेनानियों को सम्मान दिया है और जितने भी देश में देश के काम करते हैं जो महापुरुष हुए, किसी भी जाति के थे, सभी जातियों के, सभी धर्मों के महापुरुषों का भी हमने सम्मान करने का काम किया, सबकी सरकारी स्तर पर जयंतियां मनाने का काम किया। इसलिए मैं कह सकता हूं कि लगातार 2014 के बाद 36 बिरादरी का सम्मान हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कर। ताज़ा अपडेट्स और बड़ी खबरों के लिए सब्सक्राइब करें आज प्रकाश टीवी और बेल आइकन दबाना ना भूलें।